बात दो कॉल दूंगा मैं, दोनों ही बाई साइड में। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस अगर हम इसके चार्ट को अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और आज ब्रेकआउट जैसा लेवल उसमें देखने को मिला है, 130-131 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मौजूदा पे बाइंग करने की सलाह रहेगी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलें क्योंकि हाई बीटा काउंटर है 125 का एंड प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 137 एंड 141। दूसरी जो कॉल रहेगी वो मेटल स्टॉक्स में से रहेगी। अगर हम मेटल इंडेक्स भी देखें अगर एनएससी में, तो आज 15 स्टॉक्स में से 14 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और उसमें हिंडेल्को का चार्ट अच्छा लग रहा है। शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट अगर हम देखें तो हाई लोस फॉर्मेशन बने हुए हैं, लगभग जब मैंने निकाला था 200 425 75 के आसपास था, इस समय 427 है, तो एक रुपया ही बढ़ा हुआ है। तो मौजूदा सर पे बाइंग कर सकते हैं, 412 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, प्ले फॉर द टारगेट ऑफ 439 एंड 445। इसमें थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, एक हफ्ते के लिहाज से ये बाइंग कॉल है और 445 के ऊपर भी जा सकता है, बट कंजर्वेटिव टारगेट 439 445 का है। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा अगर रिफाइंड करना चाहें वो 412 की जगह 418 भी ले सकते हैं। तो ये दो कॉल हैं। मेटल इंडेक्स में इस समय एक्टिविटी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शायद मेटल की कॉल